नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। हिंदू धर्म पर बनी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म कल की 2898 एडी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। 27 जून को थिएटर्स में रिलीज हुई ये फिल्म अभी भी मजबूती से थिएटर्स में टिकी हुई है। फिल्म की कहानी से लेकर इसके वीएफएक्स की जमकर तारीफ हो रही है। ये फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ साथ विदेशों में भी जबरदस्त कमाई कर रही है। प्रभास और दीपिका पादुकोण की ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। हिंदू धर्म पर बनी फिल्म कल्कि ने बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के देओल ब्रदर्स को धूल चटा दी है। कल्कि ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचते हुए सनी देओल और बॉबी देओल की फिल्मों को मात दे डाली है। जहां फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस 689 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, वहीं ओवरसीज में इस फिल्म ने 300 करोड़ की कमाई कर ली है। इसी के साथ कल्कि का कलेक्शन 1000 करोड़ हो गया है। प्रभास और दीपिका, अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स से सजी इस फिल्म ने सनी देओल और बॉबी देओल की फिल्मों को करारी मात दे दी है। बता दें कि पिछले साल सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसी सुनामी लेकर आई थी कि पूरा बॉलीवुड देखता रह गया था। वहीं अब प्रभास की फिल्म कल्कि ने सनी देओल की गदर 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को बने मार्जिन से बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया है। दरअसल गदर 2 ने दुनिया भर में लगभग 691 करोड़ का कारोबार किया था, जबकि हिंदू धर्म पर बनी सबसे महंगी फिल्म कल्कि ने 1000 करोड़ की कमाई सनी देओल की गदर 2 को दिया है झटका। सनी देओल के अलावा कल्कि ने बॉबी देओल की फिल्म एनिमल को भी बॉक्स ऑफिस पर करारी मात दे दी है। दरअसल एनिमल ने दुनिया भर में लगभग 917 करोड़ का कारोबार किया था, जबकि कल्कि ने 1000 करोड़ की कमाई कर बॉबी देओल और रणबीर कपूर का भी घमंड तोड़ दिया था। बता दें कि एनिमल भी पिछले साल दिसंबर में रिलीज की गई थी। इस फिल्म में रणबीर कपूर और बॉबी देओल के बीच जोरदार भिड़ंत देखने को मिली थी। फिल्म में इन दोनों के अलावा अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी भी अहम रोल में नजर आई थी। एनिमल ने भी बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े थे, लेकिन अब कल्कि ने बॉबी देओल की फिल्म एनिमल को भी मात दे दी है। बात करें फिल्म कल्कि की, तो इस फिल्म को 600 करोड़ के भारी भरकम बजट से बनाया गया। ये भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। इस फिल्म में प्रभास ने भैरव और करण के रोल में दिखाई दिए हैं। वहीं फिल्म में अमिताभ बच्चन अश्वधामा के किरदार में नजर आए हैं। इसके अलावा फिल्म में दीपिका भी नजर आई हैं, जिन्होंने सुमति का किरदार निभाया है। फिल्म में इसके अलावा कमल हसन और दिशा पाटनी भी अहम रोल में नजर आई हैं। लंबी चौड़ी स्टार कास्ट से सजी इस फिल्म में कई स्टार्स कैमियो में भी नजर आए हैं, जिसमें से मृणाल ठाकुर, विजय देवगोड़ा जैसे स्टार्स का नाम शामिल है। 600 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने कुछ दिनों के अंदर ही दुनिया भर में 1000 करोड़ का कारोबार भी कर लिया है। इस साल फिल्म में कुछ खास कमाई नहीं कर सकी थी, लेकिन कल्कि ने महीनों से सूखे को खत्म कर दिया। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि अब बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कितने दिनों तक टिकी रहती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या है कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।